तू नज्म नज्म सा मेरे होठों पे ठहर जा, मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आंखों में जागूं रे। तू इश्क इश्क सा मेरे रूह में आके बस जा, जिस ओर तेरी शहनाई उस ओर मैं भागूं रे। हाथ थाम ले पिया, करते हैं वादा, अब से तू आरज़ू तू ही है इरादा। मेरा नाम ले पिया, मैं तेरी रुबाई, तेरे ही तो पीछे पीछे बरसात आई, बरसात आई। तू इत्र इत्र सा मेरे सांसों में बिखर जा, मैं फकीर तेरे कुर्बत का तुझसे तू मांगू दे। तू इश्क इश्क सा मेरे रूह में आके बस जा, जिस ओर तेरी शहनाई उस ओर मैं भागूं। लिफाफे में तेरा खत है जानिया, तेरा खत है जानिया, ना चीज ने कैसे पाली किस्मत ये जानिया वे। ओ मेरे दिल के लिफाफे में तेरा खत है जानिया, तेरा खत है जानिया, ना चीज ने कैसे पाली जन्नत ये जानिया वे। तू नज्म नज्म सा मेरे होठों पे ठहर जा, तू नज्म नज्म सा मेरे होठों पे ठहर जा, मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आंखों में जागूं रे। तू इश्क इश्क सा मेरे रूह में आके बस जा, जिस ओर तेरी शहनाई उस ओर मैं भागूं रे। Yeah, yeah.
सब टुक टुक निहारे दामाद जी लागे सबको प्यारे हो दामाद जी अंगना है पधारे दामाद जी सब टुक टुक निहारे दामाद जी लागे सबको प्यारे हो सबको प्यारे हो आए हमरे द्वार कुंवर जी सखिया मंगल गाओ
शहर में बीते सारे मौसम, बाबुल तेरे घर में अब चले पाओ मेरे पिया के शहर। तेरे दर पे आके थम गए, नैना नमाजी बन गए, एक दूजे में यूं ढल के आशिकाना आयत बन गए मैं और तुम। कैसी दिल लगाई कर गए, रूह की रुबाई बन गए, खाली खाली दोनों थे जो थोड़ा सा दोनों भर गए मैं और तुम।
चलो जी आज साफ साफ कहता हूँ, इतनी सी बात है मुझे तुमसे प्यार है, यूं ही नहीं मैं तुम पे जान देता हूँ, इतनी सी बात है मुझे तुमसे प्यार है, चलो जी आज साफ साफ लगना ये धूप जरूरी, लगना ये छांव जरूरी, मिलते हैं इश्क जमीन पर अब दो ही नाम जरूरी, मैं और तुम, ओ अपना खुदा भी होगा अपना ही रब ले लेंगे, खुद की बना के दुनिया ये जिंदगी जी लेंगे, चलो जी आज साफ साफ कहता हूँ, इतनी सी बात है मुझे तुमसे प्यार है, यूं ही नहीं मैं तुम पे जान देता हूँ, इतनी सी बात है मुझे तुमसे प्यार है, मुझे तुमसे पैरों से तेरे हुआ रो
हाथ सीला
यात्रा करते हैं, आप कोई व्रत करते हैं, आप कोई उत्तरापन करते हैं और कोई आप यज्ञ का दान करते हैं, आदि कर्मों को यदि आप मुझे साथ में लिए हुए स्वीकार करना चाहें तो मैं आपके बामंग में प्रवेश करूंगी। वो कहती है कि अगर आप कोई भी मांगलिक कार्य करें उसमें आप मेरी भागीदारी जरूर लें। ऐसा नहीं, बिना पत्नी के कोई यज्ञ सफल नहीं हो सकता है ना। इसका रामचरितमानस में वर्णन है। भगवान का जब इसी तरह यज्ञ हो रहा था तो इसी तरह यज्ञ में भगवान राम जब उन्होंने रामेश्वरम की स्थापना किया है ना, रामेश्वरम की स्थापना जब वह करने लगे भगवान राम तो उनकी पत्नी रावण के पास थी, हरण करके वो ले गया था है ना। सीता जी जब जामवंत जी से भगवान राम ने कहा कि प्रभु मुझे यज्ञ करना है, मुझे रामेश्वरम की स्थापना करना है और मैं इस यज्ञ के लिए कोई ऐसा ब्राह्मण ढूंढता हूँ जो वणिक हो, विद्वान हो और कर्मकांड का मूर्धन्य हो और सात्विक हो, सात वृत्ति हो। तो जामवंत जी ने कहा कि प्रभु ऐसा तो मेरे उस पर कोई नहीं है, लेकिन एक जरूर है रावण, वो आपका जो है अब हम उनसे आग्रह करेंगे, अगर वो कहेंगे तो करा देंगे है ना। उन्होंने कहा आप जाइए उनसे, आप एक बार बात करिए। राम जी की आज्ञा को प्राप्त करके रावण जब के जामवंत जी रावण के पास पहुंचे, वहां उसने सारा वृतांत बता दिया अपना कि मैं देखिए जीवन में शत्रु भी कैसा होना चाहिए है ना, भगवान राम और रावण जैसा है ना। भली भांति पता है रावण को कि मेरे जो है विजय नहीं यहाँ पर प्राप्त होना है, मेरे पराजय के लिए ही हो रहा है ना। तो इस प्रकार से
वह गए और रावण ने एक दिन के लिए सीता जी को लाए और रामेश्वरम की स्थापना हुई, फिर पुनः वो ले गए। ये शास्त्र वर्णन है। इसलिए अगर कोई मांगलिक कार्य करते हैं तो उसमें पत्नी को जरूर रखना चाहिए, तभी उसमें आपको संपूर्ण फल प्राप्त होगा। कि मैं परिवार और गौ आदि सभी पशुओं का पालन पोषण करना, मेरे अधीन रखना, यदि आप स्वीकार करते हैं तो मैं आपके वामंग में प्रवेश करूंगी, है ना। ये उस तीसरे वचन में कहती है, समय का अभाव है, उतनी संक्षिप्त बातें आपको नहीं समझा पा रहे, है ना, उसमें आप शॉर्टकट में समझेंगे समय के अभाव होने के कारण, नहीं तो आपको वृतांत कथा से कहीं ना कहीं उठा करके समझाया जाता है ना। ये तीसरे वचन उसका कन्या का है, आपको स्वीकार है। चतुर्थ वचन में कहती है कि आए बयो धान धनाधिकानाम पृष्ठ निवेश चाग्रह निदध्या वामामि तदा त्वदीयाम जगाद कन्या वचनम चतुर्थकम। चतुर्थे में कहती है कि कन्या, मेरा चतुर्थ वचन यह है कि अन्न तथा धन आदि जो कुछ भी घर में आवे उन सबको संचित रखना और मेरी सलाह से आप उसे उचित रूप में खर्च करें, है ना। जो भी आप कमा रहे हैं, जहाँ से आप धनार्जन कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके मालिक केवल आप। जगाद कन्या वचनम च पंचमम। छठवें में कहती है, देशांतरे वा स्वपुरांतरे वा यदा विदध्या क्रयभिः क्रयो तुम। यहाँ तो आप लोग सब स्वीकार कर लेंगे, अब फालो कितना करेंगे वो भगवान जाने। फिर पंचम धूम्र मालोक्य सागता। वो कहती है कि देखिए, मैं जीवन काल में अपने, अगर आप कोई विचार करते हैं विष्णु अग्नि ब्राह्मण, उसने कहा कि विष्णु अग्नि ब्राह्मण स्वजातीय भाई बंधु और पांचवें ध्रुव तारा, ये सब मेरे साक्षी है ना। आज जो आपका विवाह हो रहा है तो कोई चाहे वो बोल जाए, लेकिन ये तारा और ये कुंभ छोड़ नहीं पड़ेगा और हमारे वाद का उल्लंघन नहीं करना। अगर हमने कह दिया कि ये नहीं करना तो नहीं करना, है ना। ऐसा काम नहीं करना है कि शंकर जी अपनी पत्नी पार्वती को रोक रहे थे कि वहां पर मत जाओ, वहां निमंत्रण नहीं है यज्ञ में, आपके पिता का भले है लेकिन वो जबरदस्ती गई और यज्ञ विध्वंस हो गया। तो ऐसा कार्य नहीं करना है जिसमें हमारा आपसी संबंध खराब हो। आपको घर जाना है, माता पिता से मिलना है, आप आज्ञा को प्राप्त करिए। कोई तीर्थ है, त्योहार है, आप जाइए, है ना। पता चला उठाए बैग चल लिए, है ना, ऐसा नहीं है ना। तीसरे में वो कहती है, ये तो स्वीकार है कि नहीं, दूसरा स्वीकार है, स्वीकार है तो फॉलो भी करो। तीसरे में कहती है कि तव चितम मम चिते वाचा वाच्यम चालोपहेत भृते मे सर्वदा देहम हृदयस्थ वरानने। फिर वो चतुर्थ में कहती है कि मम दुष्ट जगत अप्याबंधुना भक्ति राजरात ममाज्ञा परिपालेशा पाती ही व्रतपरायणे। फिर वो कहती है कि पांचवें वचन में उसने कहा कि मैं बिना पत्नी कथम धर्मे आस्मणां प्रवर्तते तस्मातम मम विश्वास्ता भवमा मांगगामिनी। कहती है कि देखिए, आप मेरी, तुम मेरी आज से मामांगी बनो, मेरी पत्नी बनने जा रहे हो, है ना। कहते हैं कि मदीय चित्ता नुगता च चित्तम सदा मदा क्या परिपालनम च पति व्रता धर्म परापरारायणाम त्वं कुरया सदा सर्वमिदं प्रयत्नम। कहती है कि देखिए, यदि तू मेरे मन के अनुसार चलोगी और मेरी आज्ञा अनुसार चलती हुई पति व्रत धर्म का पालन करोगी तो मैं तुम्हारी सभी बातें मान लूंगा। कन्या लावा की जो सात कुरमी बनी है उसे मिटा देती है और उसकी सुकृति होती है। आपने जिसको मिटाया है, आज से बन करके लकीर हो, है ना। यह उस सातों वचन को मैं आपसे कहती हूँ, है ना। उन्होंने, आपने इनको कहा, है ना, उन्होंने स्वीकार किया सात वचन, आपके पांच वचन पूरे हुए। ये पांचवा वचन आपको स्वीकार है। बोले लक्ष्मी नर भगवान की जय, भगवान की जय हो।
भैया इधर लुक करिए कि मेरी तरफ। अरे हां ये देख, वाह वाह ये तो पता लगी भैया, ये देखिए होने से सिरहाने में रख कर ये यादें मेरे मन की झोली में छोड़ कर ये यादें आँखों से ओझल हो न जाना तू साथी उड़ता सा बादल होना